शांति। पुरुषार्थ का सरल तरीका, लास्ट आने वाले भी फास्ट आगे निकल जाएं। आप सभी के घरों की समस्याएं न रहें। चाहती हैं माताएं ऐसा? चाहते हैं संबंध मधुर हो जाएं, चित्त शुद्ध होने लगे। इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं हम सबके जीवन के। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे तो समय बढ़ता ही है, पर किस ओर बढ़ रहा है? समय की गुह्य गति को वही समझ सकते हैं जिनकी स्थिति, सुरेश भाई, सूक्ष्म हो। बाकी को पता नहीं चलेगा। बाकी सोचेंगे दुनिया बहुत विकास कर रही है, संगम युग पे भी कुछ हो तो नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। बाबा ने हमेशा कहा है समय के बारे में बाबा भेद नहीं खोलेगा। ये सबको अपनी अपनी स्थिति से जानना है। पुरुषार्थ की पहली बात, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जो रोज के ईश्वरीय महावाक्यों में जो कुछ आए साथ साथ अभ्यास करें। ये भगवान के महावाक्य हैं, किसी मनुष्य गुरु या विद्वान के नहीं, त्रिकालदर्शी के महावाक्य हैं। 60 साल पहले के महावाक्य आज भी उतने प्रासंगिक हैं। उनको पता था कौन कौन आएंगे और उन्हें क्या क्या चाहिएगा, उस अनुसार मुरलियाँ चला दी हैं। अगर हम बाबा की बातों को साथ साथ फॉलो करते हैं तो क्या फायदा होता है? बोलो हेम सिंह भाई। उनकी दुआएं और आशीर्वाद मिलती हैं। टीचर भी हैं वो हमारे, स्टूडेंट साथ साथ काम करने लगे, प्यार होता है टीचर का, भगवान का प्यार मिलेगा। दूसरी बात, बहनों में बताएंगी, बाबा की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, वो राइट टाइम होता है, उस पर जो कर लिया जाए संपूर्ण सफल। छोटी सी कहानी, बंदर और बंदरी पेड़ पर बैठे हैं, ऊपर से आकाशवाणी हुई, अभी नीचे कूद जाओ परी बन जाओगे। बंदरी ने देर नहीं लगाई, नीचे कूद गई, परी बन गई। अब बंदर ने सोचा मैं नहीं कूदा, वो भी कूद गया तो टांग टूट गई। भगवान को गाली देने लगा, बंदरी को परी बना दिया, मेरी टांग तोड़ दी, तुम कैसे हो? क्या उत्तर आया होगा ऊपर से? जब आकाशवाणी हुई वही समय उचित था, तुमने देर कर दी आधा मिनट, वो समय बीत गया। बहुत गुह्य बात है। ज्योतिष में भी समय का बड़ा महत्व होता है। समय का महत्व, ज्योतिष विद्या साधारण विद्या नहीं है। उसको जानने वाले भले ही अल्पज्ञ हों, साधारण हों, पर वो एक परफेक्ट विद्या है। तो हम सब ये समझ लें कि जब बाबा जो कुछ करने को कह रहा है तभी कर लेंगे, वही होने लगेगा। सोच लिया कल से करेंगे, सोच लिया बच्चे की शादी करानी है उसके बाद तेज पुरुषार्थ करेंगे,
सोच लिया अब कल बच्चे का बर्थडे है उसे पूरा कर लें, फिर तेज पुरुषार्थ करेंगे। फिर क्या हो गया, बच्चों की परीक्षा आ गई है उसके बाद करेंगे। और ऐसा सोचने वाले बोलो आगे कभी नहीं करते। मैंने माताओं को देखा, बच्चे की शादी है, बस ये पूरा होते ही तो मैं फ्री, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब बच्चे को तुम पालो, मैं जॉब पे जाती हूँ, मुरली भी नहीं सुन सकती जो पहले रोज सुनती थी। अपने को बंधनों में डालना या मुक्त करना अपने हाथ में है। सभी ध्यान दें और जहाँ भी आप हैं वहीं श्रेष्ठ अभ्यास किए जा सकते हैं, उसे छोड़कर नहीं लेकिन बंधन बनाकर बिल्कुल नहीं। कईयों ने अपने कर्मों को, छोटे छोटे कार्यों को बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। हमें बंधन नहीं बनने देना है। पुरुषार्थ की श्रेष्ठ विधि श्रेष्ठ स्वमान। ये स्वमान का ज्ञान ही ऐसा है जो वेदों में नहीं, जो दर्शनों में नहीं, जो किसी गुरु के पास नहीं। आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, 5-7 वो स्वमान जिससे सभी का जीवन महान बन जाए। चाहे आप लेट आए हैं, कल आए हैं ज्ञान में, अगर आप इस बात को गहराई से जान लें तो पुरुषार्थ की गति तेज होने में देर नहीं लगेगी, संस्कार बदलने में देर नहीं लगेगी, विकार छूटने में देर नहीं लगेगी। हमें इम्पोर्टेंट चीज पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए पहली चीज की जरूरत पड़ती है, एकाग्रता। और व्यर्थ संकल्पों का संसार में तूफान है, सुनामी चल रही है। बाबा के बच्चों की अलग बात है, किसी का चित्त एकाग्र है, किसी का आधा। व्यर्थ से मुक्त करेगा स्वमान, पहली चीज। दूसरी बात, मनुष्य छोटी बातों में उलझा हुआ है। चेक करेंगे सभी अपने को, पर चिंतन, हमारा लेना न देना, हम दूसरों का ही सोचते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरा, इसकी उसकी, बिना मतलब की बातों में मन उलझा रहता है। योग लगाएंगे लगेगा ही नहीं। जो दूसरों को देख रहे हैं अपने को नहीं देख रहे हैं वे योगी नहीं बन सकते। इन सब बातों से हमें मुक्त करेगा स्वमान, पहला स्वमान। बोलो प्रसिद्ध है कौन सा? नहीं, उससे भी पहले, मैं एक महान आत्मा हूँ। स्वमान का अर्थ है बाबा ने हम सभी को याद दिलाया तुम कौन हो, आत्मा हो, ये पहला ज्ञान। शास्त्र वाले भी इसमें उलझे रहे, आत्मा मन हूँ बुद्धि हूँ नहीं, इनसे परे हूँ, आप तो जानते हैं ना, मन हूँ बुद्धि हूँ नहीं, दोनों नहीं हूँ, इनसे परे हूँ, क्या हूँ, लगता है आत्मा हूँ, सूक्ष्म शरीर में हूँ, सारे शरीर में फैली हूँ, हृदय में बैठी हूँ या यहाँ बैठी हूँ, क्या है? सुरेश भाई आपने पढ़ा है ना, पता ही नहीं चला क्या है। बाबा ने एक ही लाइन में बता दिया तुम आत्माएं हो, ज्यादा चक्कर ही नहीं, तुम यहां रहती हो ब्रेन के बीच में, तुम परम धाम से आई हो। थोड़े थोड़े सिंपल शब्दों में वो ज्ञान दे दिया जिसके लिए संसार अब तक उलझा हुआ है। और फिर बताया तुम कौन हो, भगवान के बच्चे, पाप आत्माएं नहीं, बहुत पुण्य आत्माएं। स्वीकार करेंगे सभी, मैं इस सृष्टि की पुण्य आत्मा हूं। जैसा गहराई से चिंतन होगा वही जीवन होगा। गहराई का अर्थ है
स्वीकार करना मैं ये हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान। सोचो इस सृष्टि पर जब भगवान की नज़र पड़ी, कौन कौन है मेरे काम के? साहूकार बिल्कुल नहीं, छोड़ो ही नहीं। सन्यासी बोलो, वो भी नहीं, जानते ही नहीं मुझे, सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिल्ली में, कईयों ने अपने को ही भगवान कह दिया, मुरली आई ना अभी, शिवो एम कह देते हैं, फिर भक्ति किसकी कर रहे हो, ढूंढ किसे रहे हो, जाओगे कहाँ? वहम ब्रह्मस्मि शिवो एम, वो भी मेरे काम के नहीं। फिर नज़र पड़ी किन पे? आप सब पे, हम सब पे, और देखा ये हैं साधारण आत्माएं, गरीब घरों में भोले लोग, गांव के लोग, गांव में बहुत अच्छी आत्माएं मिलती हैं, गांव के लोग, यहाँ भी गांव वाले आए ना बहुत, ये हैं मेरे लाल पवित्र आत्माएं, ये हैं महान। सबसे बड़ी महानता वो है जो पवित्र है, जो सच्चाई ईमानदारी पे है, जिसमें प्रेम और सद्भावनाएं हैं, और जो केवल पैसे के पीछे हैं वो महान नहीं है। तो अगर हम ये स्वीकार कर लें, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, क्या होगा? महानताएं आ जाएंगी जीवन में, विचार महान, संस्कार महान, कर्म महान। अब हम चिंतन करेंगे, इसे स्वीकार करें, पहले मैं एक महान आत्मा हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे इस तरह नहीं बोलना है, ये मेरे संस्कार नहीं। महान आत्माओं के संस्कार कैसे होते हैं? बहुत रहम दिल, बहुत परोपकारी, दूसरों को सुख देने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों को मदद देने वाले पवित्र आत्माएं, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। संसार में कुछ नामी ग्रामी महान आत्माएं भी ऐसी है ना, जिन्हें अपने लिए चाहिए, वो महान नहीं हैं। जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए, वे सबसे महान हैं। इसे स्वीकार करें और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अपनी स्मृति में लाएं, बहुत फायदे होंगे, व्यर्थ समाप्त होगा। आपने सुनाई है, हमने तो इस संकल्प के द्वारा बहुतों के डिप्रेशन ठीक होते देखे, बहुतों को रात को नींद आई, जो सोते नहीं, डॉक्टर आप भी यूज कर सकते हैं। बहुत डॉक्टरों ने यूज कर लिए ये संकल्पों की थेरेपी, रात को लिखना सिखाया, मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार, दो चार दिन में ही सोने लगे, क्योंकि ब्रेन को प्योर एनर्जी जाने लगी, उसे ब्रेन रिलैक्स होने लगा, जो चिंताएं थी, अशांति थी, परेशानियां थी, वो लोप हो गई। तो पहला स्वमान जो हमें महानता के शिखर पर ले जाएगा, मैं एक महान आत्मा हूँ। रटना नहीं है, लिखना तो हम इसलिए कराते हैं कि ब्रेन को एनर्जी जाने लगे, पर हमें इसके स्वमान में और नशे में रहना है, मैं महान हूँ। तो मेरे कर्म संसार से अलग, मेरे विचार महान, दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या फायदा होगा इससे? सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी, शक्तियाँ हम में हैं, सोई हैं, जग जाएंगी। जो ये कहते हैं मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, उनमें भी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक कन्या बहुत दिन से मेरे पास आती थी, जब से पढ़ती थी, सरेंडर नहीं होंगी, बहुत सहन करना पड़ता है। नौकरी मिल गई अच्छी, फिर आती रही, मैंने पूछा तुम्हारा जो बड़ा ऑफिसर है वो भी तो तुम्हें कुछ बोलता होगा? कहा हाँ, अच्छी तरह बोलता है, डांटता है। तो मैं क्या सहन कर लेती हो? करना ही पड़ता है।
एक जगह सहन करना नहीं चाहती तो सहन शक्ति नहीं है, दूसरी जगह करना चाहती है क्योंकि नौकरी करनी है, थोड़ी बहुत गाली भी सुन ली कोई बात नहीं, तो सहन शक्ति है, थी या नहीं उसके पास? थी, वहाँ सुला दी थी यहाँ जगा दी। मास्टर सर्वशक्तिवान से हमारी शक्तियाँ जग जाती हैं। और बोलो अमित, और नहीं, इसी में मनोबल बढ़ जाता है। मेरे पास एक केस आने लगे थे, बहुत बहनों के ज़्यादा होते हैं, एक ही कुमार का आया है, बाकी सब बहनों के। मैं बहुत हाथ धोती हूँ, सारा दिन एक साबुन खर्च। किसी के आए, मैं बहुत नहाती हूँ जब तक टंकी खाली ना हो जाए, दूसरों के लिए पानी ना बचे तब तक नहाती ही रहती हूँ चार चार घंटे। और मैं दुखी हूँ अपने संस्कार से, हाथ धोने से स्किन डिजीज हो रही है, बार बार नहाने से तकलीफ हो रही है, चार घंटे बाथरूम में नहा ही रहे हैं, मैं गंदी हो गई, किसी ने हाथ लगा दिया चलो नहाने, कहीं छू दिया डस्टबिन बाहर डाल आई चलो नहाने। तो मैं सोचा मैं इसका क्या इलाज करूं भाई, है कोई दवाई डॉक्टर? कोई नहीं ना। मैंने सोचा एक बार, दो तीन चार चार साल पहले की बात है, कि कुछ तो करना चाहिए। और ये समझ में आया जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हम इसे छूटें पर छूट नहीं पा रहे, तो बात क्लियर थी, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मन की शक्ति नहीं है। तो मैंने सिंपल अभ्यास कराया, सवेरे उठकर 108 बार लिखो मैं मास्टर सर शक्तिवान, सचमुच छूट गए, 8-10-11 दिन में, कोई 21 दिन में छूट गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और हमें ये जान लेना चाहिए कि सबसे अधिक शक्तिशाली शिव बाबा, दूसरा नंबर, हाँ नहीं मैं अब आगे नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, नाम नहीं, दूसरा नंबर शक्तिशाली वे जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इस स्वमान को बढ़ाते चलें और सभी ध्यान से सुन लें महावाक्य बाबा का, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत बड़ा सीक्रेट। और अगर आ रही हैं तो यही अभ्यास कर लें, भाग जाएंगे। दूसरा बहुत बड़ी शक्ति, वो संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हैं। तीसरी सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। चौथी भी है, जो बहुत करें एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। हमें किसी को चरणों में झुकाने की इच्छा नहीं, पर हमें विश्व की सेवा करने की इच्छा तो है ना, हम संसार को कुछ दे सकें, दुख निवारण कर सकें, उनकी समस्याओं को हल कर सकें, उन्हें राहत चैन दे सकें। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस करेंगे, बैठे आप अपने घर में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ यानी माई ठाउस हूँ, और अभ्यास करें आत्मा से, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, पूरा घर भर गया है। भाई संजय पानी थोड़ा देना। तीसरा स्वमान, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इसके लिए बाबा का सबसे पहला सुंदर महावाक्य है, अगर आप अपने घरों का वातावरण बदलना चाहते हो तो ये अभ्यास करो। किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को हम इस प्रैक्टिस से चेंज कर सकते हैं, अनुभव करेंगे सभी भाई कैंसर और वाले अपने अपने डिपार्टमेंट में, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं।
इससे सब काम सरल हो जाएंगे। आप एक सुंदर अनुभव करके देखें, मशीनें सबके पास हैं, आप ये अभ्यास करो, आपकी मशीन कभी नहीं बिगड़ेगी, आपका स्टोर है, बोरी कभी नहीं गिरेगी आपके ऊपर, अनुभव करके देखो। एक भाई ट्रक चलाते थे, तब हमारे पास यज्ञ में केवल एक ट्रक ही था, केवल एक ट्रक, बाकी दो साइकिल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जाता था बाहर भी, तो आया तो बाबा से बहुत मिलते थे हम लोग। बाबा ने उसे पूछा, ट्रक खराब तो नहीं होता? कहा, बाबा हो जाता है। बाबा ने उत्तर दिया, स्थिति अच्छी होगी ट्रक खराब नहीं होगा। सब ने हंस तो लिया, पर मैंने सोचा राज भरी बात है, भगवान बोल रहा है तो केवल हंसाने के लिए नहीं। ये सत्य है कि हमारे वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे, फर्स्ट क्लास होगा। आप किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे, बिगड़ेगी नहीं, सब कुछ सुंदर चलेगा। दूसरा इसके बारे में महावाक्य है, तुम ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, क्योंकि तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज, इसलिए ये अभ्यास बहुत ही सुंदर हैं, इन स्वमान को बढ़ाएं। मैं विघ्न विनाशक हूं, गहरी बात, और हमें अपने जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए कि जीवन में विघ्न कम से कम हो। कई लोग जीते ही इस तरह हैं कि हर कदम पे विघ्न क्रिएट कर लेते हैं। अब जा रहे हैं, किसी को पैर लग गया, आप सॉरी कह के आगे भी चल सकते हैं, और वो लड़ाई करने लगे तो आप लड़ भी सकते हैं, लड़ेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है। सॉरी कह के आगे बढ़ गए, नो प्रॉब्लम। ऐसा जिए हम, घरों में आप ऐसे ढंग से जियो कि समस्याएं हो नहीं। समस्याएं क्रिएट की जाती हैं, कोई अपने क्रोध से करता है, कोई अपने बुरे वचनों से करता है, कोई संपत्ति के लोभ से करता है, कोई ईर्षा द्वेष से करता है। घरों की समस्याओं के कारण यही हैं या नहीं? बोलो माताएं, हैं या नहीं? यही हैं। कोई कामनाएं ज़्यादा करता है, मेरे पास तो रोज आती है ना, मैं तो ग्रस्त में रहा नहीं, तो रोज़ जो बहनें समस्याएं सुनाती हैं उनसे पता चलता है कि ये कारण घर घर में अशांति के हैं। कई लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन बड़े भाई की प्रॉपर्टी पे टेढ़ी नज़र है, करो कुछ इसकी भी मेरे बच्चों को मिल जाए। माताएं ध्यान दें, दूसरों की संपत्ति से बच्चों की पालना करेंगे, जब आप बूढ़े होंगे बच्चे आपको घर से निकाल देंगे। बोलो, निकलना है या साथ रहना है? सच्ची बात है। इसलिए अपनी संपत्ति में ही प्रसन्न रहना। और मैं माताओं को तो विशेष कहता हूँ, भाइयों को भी, बच्चों को संपत्ति देने से हजार गुना इम्पोर्टेंट काम है, उन्हें योग्य बनाओ, उन्हें कुछ भी ना दो। मैंने ऐसे कुमार देखे, ज्ञानियों के बच्चे कहते हैं हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी संपत्ति दूसरे बच्चों में बांट दो, हम खुद कमाएंगे, आपको भी देंगे, आपको भी पालना की ज़रूरत हो हम करेंगे। ऐसे योग्य बनाओ अपने बच्चों को, और बिना मेहनत के उन्हें आपने 10 करोड़ दे दिए तो 5 साल भी नहीं चलाएंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए सभी भाई बहनें, माताएं ज़्यादा, बुरा ना मानना,
संपत्ति के लालच से अपने को मुक्त करो। कौन सी संपत्ति इकट्ठी करनी है हमें? अब नौ खजाने दे रहा है बाबा, जिससे 84 जन्मों का भाग्य बन जाएगा, अथाह संपत्ति मिल जाएगी, सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत, हम भी सोने के हो जाएंगे या नहीं? शरीर भी चमकता हुआ स्वर्ण युक्त। मैं कहा करता हूँ कि सतयुग में तो पाउडर भी सोने का होगा। अथाह धन संपदा है भारत में, नीचे है बहुत। आज बाबा ने कुछ कहा, रखे, अरे नहीं कुछ और का, गुफाओं में रखे हैं सेठ लोगों ने, वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। लालच भी दे दिया थोड़ा। तो अथाह धन संपदा होगी सुख शांति प्रेम निस्वार्थ पवित्रता। एक परिवार हो जाएगा ना, संसार एक परिवार बन जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम लोग कहते रहे, कहने से काम नहीं चलता, बन जाएगा। बाबा ने शुरू कर दिया ना बनाना, और आगे चलें। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वीकार करो। मुझे सबका कल्याण करना है तो ईर्ष्या किससे करूँ? दुख किसे दूं? मुझे तो दुख हरने हैं सबके। अपमान किसका करूं? मुझे तो स्वमान देना है सबको। डिस्टर्ब किसी को कैसे कर सकते हैं? मुझे तो सबको चैन देना है। विश्व कल्याणकारी की स्थिति बहुत बड़ी है। और जो अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं सभी ध्यान से सुन लेंगे, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व कल्याण करती रहेगी। भावना बहुत बड़ी चीज है। ऐसे बाबा ने दूसरा महावाक्य उच्चारण किया है, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। तुम पूर्वजपन के नशे में रहो तो तुम्हारे द्वारा स्वतः ही सबकी पालना होती रहेगी। समझ रहे हैं ना, स्वमान हमारे लेवल को कैसे ऊंचा उठाता है? सोचने का लेवल सबसे पहले, कर्म तो बाद की चीज है। मनुष्य का सोच बहुत डाउन चला गया है ना। हमारा सोच सुंदर हो, मैंने कई माताएं देखी बहुत समझदार, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हम तो सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न हैं, बहुत सुखी जीवन जीते हैं, कुछ नहीं लेते किसी का, संपूर्ण ईमानदारी से जीते हैं। मुझे अच्छे ईमानदार लोग भी रोज मिलते हैं। आज भी एक आए थे युगल, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे, यूपी के अपने डिपार्टमेंट की सबसे ऊपर की पोस्ट, ईमानदार रहे। कहा मेरे पास तो ऐसा समय भी आ गया था जब बेगरी पार्ट हुआ मेरा, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। अरे भैया ऑफ तो कर लो, ट्यून बजाते जा। कहा 100 रुपये भी जेब में नहीं रहते थे, और बहुत बड़ी पोस्ट, संपूर्ण ईमानदारी, लेकिन परिणाम ये हुआ, अपना जीवन सुखी, नहीं बाबा मिला हुआ है बहुत दिन से, अपना जीवन सुखी, बच्चे बहुत चरित्रवान और अब अच्छे अच्छे पदों पर। कहा मुझे उन्हें कुछ देना ही नहीं पड़ा, न उन्होंने मांगा, पढ़ के योग्य बन गए, अब सब दिल्ली में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। अब वो मुझे कहते हैं, पापा लेते रहो हमसे जो चाहिए। सत्य ईमानदारी में बहुत बड़ा बल है। कहा मेरे साथी आज 200 करोड़ के मालिक हैं, जो उसी पोस्ट पे उनके साथ थे, 5 होते हैं वो डायरेक्टर यूपी इरिगेशन में। कहा वो सब 200 करोड़ के मालिक हैं, मैं नहीं, मेरे पास शायद 2 लाख भी न बचे हों आज। तो कहा ये बहुत बड़ी चीज है, तो ये
मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इस गुड फीलिंग को बढ़ाते चलें। आप सभी बहनें अपने अपने घरों के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, माताओं पे जिम्मेदारी है दुनिया को बदलने की। माता प्रथम गुरु होती है ना, पहली आवाज़ बच्चा किसकी सुनता है सवेरे? माताओं को पहली आवाज़ सुंदर लगानी है। माताएं तंग हो जाती हैं बच्चों से, वो उठते नहीं, करवट बदलते रहते हैं, स्कूल भेजना है, आखिर तीन बार उठाए, पांच बार उठाए, गुस्सा तो आएगा माताओं को, फिर उसको जरा कड़वे वचन बोलती हैं तो उठते हैं। शैतान कहीं का उठता नहीं है, कुंभकर्ण बन गया है। अब वो आवाज़ सुन के ही उठा तो वो उसके अंदर गया है। लेकिन आप वही आवाज़ देंगे बच्चों को जो बाबा ने हमें दी है। 3:30 बजे क्या कहता है, उठ जाते हैं? हम भी करवट बदलते हैं, बदलते तो हैं थोड़ी थोड़ी। तो बच्चों को प्रथम आवाज क्यों? सवेरे जब बच्चे सोए हैं, ऐसे तो सबके लिए है, उनका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन जगा है। जितनी सुंदर आवाज उनके मन में जाएगी वही उनका जीवन होगा, करके देखो। चलो वो न भी उठते हों, बच्चे हैं ना, उनका होता है नींद, नींद गहरी आती है उनको, थोड़े अच्छे शब्द बोला करो उठते ही। कौन से हैं अच्छे शब्द बोलो? मेरे लाडलो जागो, और तो बताओ कुछ और माताओं को तो आते हैं अच्छे शब्द, राजी बेटा उठो, मेरे कुल के दीपक उठो, बुद्धिमान बच्चे उठो, तुम तो बहुत समझदार हो, उठो। सोया हुए भी अंदर तो जाएगा ना, भले ही वो करवट बदल रहा हो, अंदर जा रहा है, उसका इफेक्ट उसके जीवन चरित्र पर बहुत गहरा पड़ेगा। बाबा ने हमें बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी पढ़ाई। मुरली में आया, सवेरे उठते ही 3 संकल्प किया करो। तब मुझे भी ये सब ज्ञान नहीं था सबकॉन्शियस माइंड का। पहला संकल्प करो, मैं विजयी रतन हूँ। दूसरा करो, मेरा जीवन निर्विघ्न है। तीसरा करो, मैं सफलता मूर्त हूँ। बाद में पता चला कि भगवान ने हमें कितनी बड़ी बातें सिखा दी थी। सबकॉन्शियस माइंड जगा है सवेरे, ये संकल्प करेंगे ना 3-3 बार, वही जीवन होगा। उठते ही आपने संकल्प किया, बहुत विघ्न है जीवन में, विघ्न बढ़ जाएंगे। उठते ही संकल्प किया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बुद्धि बढ़ जाएगी। उठते ही संकल्प किया, मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है, खुशी बढ़ जाएगी। उठते ही पहले 3-5 मिनट में जितने सुंदर संकल्प कर सकें करना, तो मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। बनेंगी माताएं इष्ट देवी या नहीं, या ये काम अपने बस का नहीं है, देवियों की पूजा ही ठीक है? बोलो, उमंग नहीं माताओं में, बनेंगी? और भाई लोग क्या बनेंगे? देवता। मैं इस घर का फरिश्ता हूँ, सबकी पालना करने वाला हूँ, भले आप छोटे हैं। कितने परिवारों को मैं देखा, छोटा बच्चा है, 10वीं क्लास में है, बहुत अच्छी स्थिति है, माँ बाप कहते हैं ये हमारे घर में देवता है, हम इसे शादी करने के लिए कहेंगे भी नहीं जब तक इसकी अपनी इच्छा ना हो। गहरी छाप पड़ी होती है, ये लड़की हमारे घर में देवी है, इसके कारण ही हमारे भाग्य उदय हैं, हमारे घर में पवित्र आत्मा है, ये पवित्र ही रहे, हमारी ये शुभ इच्छा है, ये अपने स्वमान से होता है। मैं प्रकृति की मालिक हूँ, बहुत बड़ा स्वमान है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ध्यान दें इन सब पर। मैं इस जहान की नूर हूँ, इसके बारे में मैं आपको कुछ कहूँगा। जब ये पहली पहली बार बाबा ने कहा
मुझे अंदाज है 74 में कहा। उसे पहले ये स्वमान हमने नहीं सुना था, मैं जहान का नूर हूँ। तो बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया, जैसे आँखों में यदि नूर न हो तो मनुष्य देख नहीं पाएगा ना, तो उसके लिए जैसे कि संसार है ही नहीं, तुम इस संसार के नूर हो, अगर तुम न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। इस संसार में पवित्र आत्माएं ही संसार को स्टेबल करती हैं, संसार के अस्तित्व का आधार ही पवित्र आत्माएं हैं। 108 आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, ऐसा लगेगा संसार में 108 चांद उग गए पूर्णिमा के, सबका अंधकार समाप्त हो जाएगा, विकारों का अंधकार, ज्ञान का अंधकार। हम अपने स्वमान को बढ़ाते चले। पॉइंट्स बहुत हैं, तुम पूर्वज हो, विश्व के आधार हो, बाप समान हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, राज ऋषि हो, विशेष बहुत ध्यान देंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भूल से भी कोई ये नहीं सोचेगा मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, उठते ही संकल्प कर दो मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, भाग्य का सितारा चमकने लगेगा, करके देखना है सबको। तो अनुभव होगा जितने स्वमान में हैं सम्मान पीछे पीछे आ रहा है, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। दो चार बातें सुन लें, जो स्वमान में हैं ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है, जो स्वमान में रहते हैं स्वयं भगवान भी उन्हें सम्मान देते हैं, प्रकृति भी सम्मान देती है। स्वमान से अभिमान नष्ट हो जाता है, बहुत बड़ी प्राप्ति। अभिमान में ही तो अनेक लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो हम सभी स्वमान को बढ़ाते चलें, इससे योग बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वमान आत्मिक स्थिति है। बाबा का ये और गहरा महावाक्य है, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्णता है। और भी एक सुंदर महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया, जो स्वमान की सीट पर हैं उनका जिम्मेदार बाप है, जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। हमारी जिम्मेदारी बाबा संभालने लगे, कितनी अच्छी बात है। तो अपने लिए कोई भी 5 स्वमान चुन लेना आप, और उनको अपनी गुड फीलिंग में लाओ, केवल रटना नहीं है, मैं ये हूँ। कुछ देर अपने को इस फीलिंग में ले आए, मैं ये हूँ, ये फीलिंग बैड फीलिंग को समाप्त करेगी। ये हमारा स्वमान अपमान की फीलिंग को भी समाप्त करेगा। याद रखें, अपमान की फीलिंग उनको ज़्यादा होती है जिनमें देहाभिमान ज़्यादा होता है। स्वमान वालों को तो अपमान होता ही नहीं, उन्हें ऐसा लगेगा। महानात्माओं को लोग गाली देते रहें वो तो मुस्कराएंगे, शक्तिशाली व्यक्ति को तो लगेगा ये समस्याएं, ये बातें, दे आर नथिंग, कुछ नहीं है, जीरो हैं। शक्तिशाली मैं हूँ बातें नहीं, शक्तिशाली मैं हूँ समस्याएं नहीं। तो इसकी गुड फीलिंग को बढ़ाते चले, विशेष सवेरे योग में जब बैठें, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करें, वो सब स्वमान ही है उनमें। और आज की बाबा की बात आपको याद दिला दूं, सबसे बड़ा भाग्य है, बोलो किसको याद है? हाँ, ये नशे में रहने से भाग्य बनेगा, पर आज की बात अंडरलाइन करनी है,
जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं वही सबसे अधिक भाग्यवान हैं। है क्या राज भरी बात बाबा कहता है, क्योंकि इससे अपने भाग्य का नशा रहेगा। कौन भाग्य दे रहा है? भाग्य विधाता अपने बच्चों का भाग्य लिख रहा है तो कैसे लिखेगा? माताओं के हाथ में पेन कागज दे दिया जाए, अपने बच्चों का लिख दो भाग्य, कैसा लिखेंगी? जो सबसे अच्छा याद आएगा। और भाग्य विधाता भगवान अपने बच्चों का भाग्य लिख रहा है, बना रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। याद रखेंगे आज की बात। ओम शांति।